गाइस सुबह के 4:30 हो रहे हैं। मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ, पूरा अंधेरा हो रखा है, अंधेरा हो रखा पूरा, और ची ची चू चू की आवाज़ आ रही है यहाँ, बहुत सारी चिड़िया। देखो आवाज़ आ भी रही होगी आपको थोड़ी बहुत। ये देखो सारे बच्चे सो रहे हैं बेड पे, 5 लोग। सो जाओ, दवाई सांस फूल जाती है कभी कभी स्वाति की रात को। बस अब सो जाओ, अब सो जाओ, अब मैं वीडियो एडिट करूँगा। तो 4:30 बज चुके हैं, मैं तो वैसे 5 बजे उठने का बोला था, अब 4:30 बजे तो उठ ही जाता हूँ, अगर सो गया तो फिर वही 10-11 बजे उठूँगा। तो आज से डेली सुबह 5 बजे उठूँगा पक्का, देख लेना। गुड नाइट, सो जाओ। मैं अपना वीडियो एडिट कर लूँ, सुबह 10 बजे डाल दूँगा। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं वापस इटावा, युग वापस जा रहा है आज फिर से, सेम व्लॉग हो रहे हैं बार बार, फिर आ जाएगा ये, फिर वापिस जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। तो गाइस ससुराल के पास रहने का एक फायदा ये है कि हम कभी भी जा सकते हैं। आज हम फिर से इटावा जाने वाले हैं क्योंकि युग के कल से पढ़ाई शुरू है, कल से युग जाएगा, अभी तक उसकी छुट्टियां चल रही थी। तो चलते हैं और मस्ती करते हैं, और हम जीजी को भी लेके जा रहे हैं। जीजी पहली बार जा रही है स्वाति के घर, स्वाति का घर देखेगी जीजी, और उसके बाद मंडे को हम जाएंगे मूवी देखने पठान। और औरैया में कोई अभी तक थिएटर नहीं है कोई बढ़िया, हसोमत इटावा में है तो इटावा में जा रहे हैं कल पठान मूवी देख रहे हैं। फिर से टीका हो रहा है इसके, कल फिर आ जाएगा, फिर टीका होएगा। है बाबू तुम आए नहीं हुए, खड़ी और क्या, जो जो टीका करवाएगा वो घर पे चला जाएगा। चलो कुछ ना टीका हो गया, ठीक है जाओ। हाँ ऋषि आओ, जो टीका करवाएगा ऋषि टीका कराओ। हाँ सही बात है, जो घर जाएगा वो छाता चला जाएगा, जो टीका कराएगा वो छाता जाएगा, कराओ काट दूंगा। अच्छा एकता दीदी कह रही पिछली बार 500 दिए थे इसलिए, एकता दीदी कह रही पिछली बार 500 दिए थे आज 100 दे रही। आप दो ले लो, ले लो ले लो दीदी, ये शगुन होता है। अरे युग को भी दिए। तो गाइस दीदी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि पिछली बार 500 दिए थे, आज 100 में मान ले रहे दीदी। बाय बाय। अरे भारी युग आती है, युवा कुछ हे प्यारे श्याम जिंदगी तेरे नाम। तो रो कह रही बता दो। तो फाइनली हम लोग इटावा में आ गए हैं, और इटावा का रेलवे स्टेशन देख के जीजी को रोना आ गया। क्यों रो रही बता दो, फिर रोने लगी, बता दो दीदी। अरे बता तो दे। अरे कुछ नहीं। तो 10 का नोट गिर गया क्या? बताना। अरे कुछ नहीं। तो रोई क्यों, बस ये बता दे, ये बता दे एक लड़का और करना है। अरे तू बंद कर, मन्नत मांगना भूल गई। बता बता बता। अरे वो स्टेशन देख के स्टेशन देख के कौन रोता है? अरे बता जल्दी। अरे बंद करो, पहले बता रोई क्यों? कुछ नहीं भाई, वही बात। ना नानी की याद आ गई दीदी। अरे यार मेरे को आंसू नहीं आते, मेरे बड़े मुश्किल से आते। ना नानी की याद आ गई। अच्छा ये शादी हो गई, अब कोई मिलता जुलता नहीं, अब इटावा आना ही नहीं होता है। अब इटावा में आते तो वैसे बस, तभी तो मैंने इटावा में शादी करी जीजी, टेंशन का ले रही तू। अभी इटावा में ही घर बनवाऊंगा मैं, इटावा से स्टेशन है छोटे पे आते थे ना, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बचपन की बातें याद आ जाती ना। हाँ कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैंने इटावा में घर बनवाया है। अब जब भी आएगी तो इटावा स्टेशन से ही उतरी हो,
अब मैं गाड़ी से लेने नहीं आऊंगा तेरे को सीधा ट्रेन की टिकट ले, टावा स्टेशन उतर, घोड़ा चाय पी और सीधा ऑटो पकड़ के और बगल से रिद्धि स्वाइर से मिठाई उठा लियो। तो चलते मिठाई ले। तो फाइनली जीजी आ चुकी है मेरे ससुराल में पहली बार। कैसा लग रहा है जीजी? अच्छा लग रहा है। आ तेरे को घर दिखा दो आज पूरा। तो क्या हुआ? ये बेड हमारा फेवरेट बेड है। अभी नहीं लेते हैं। हाँ, यहीं पे ध्रुवीया तारा आया था। चलो। कितने गंदे। ये बड़ा हॉल है पूरा, ये किचन है। इसका गेट बाहर से भी है, तो बाहर से भी गेट है इधर से। यहाँ पे गाड़ी भी पार्क हो जाएगी, जब रोड ऊपर आएगी तो गाड़ी भी अंदर आ जाएगी। ये किचन है। गीजर यहाँ भी लगा हुआ है। गरम पानी निकल रहा होगा मम्मी जी, हाथ लगा के देख। अरे हाथ तो लगा के देख, अरे हाथ तो लगा के देख गरम पानी किचन चालू होगा ना। ये कमरा है, ये किसका है? मम्मी पापा का कमरा है, मम्मी पापा का, सारे मम्मी पापा का ही है ये कमरा। ये बेड था, ये बेड जब से ही है। बाथरूम भी कर दिया। यहाँ भी गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी। आए एक और बाथरूम दिखा दो। ये दूसरा कमरा है, इसमें पापा बैठे हैं। तीसरे ये बाथरूम देख, देख ना डर रही है। देख दो एक साथ, दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। अब तेरे को और स्वाति को लगे तो एक साथ बैठ जाओ। बच्चे के लिए वाला सही है ना। अब बच्चे यहाँ पे करेंगे अच्छे से। ये मंदिर है, अभी बनवाई नहीं आपने मंदिर। ये स्टोर है। तोड़ दिया? किसने तोड़ा? नौ कब तब अंदर नहीं खा रहे, अब तब नहीं खा रहे। तुम यार सच में मिठाई हो। दीदी कांच लग जाएगा। अभी नाना होता तुम्हें धुन देते। अभी नए कप लाए, तोड़ दो। तोड़ने आए होगा तुम्हें यहाँ पे? मारो है तभी तुम्हें मारता हूँ। तोड़ो एक बार। तो छूट गया वो तो, हाथ से फिसल गया बेटा। कप निकाल के मौसी को दिखा रहा था, न्यू कप। अरे बेटा उसमें चाय जाती तो खुद ही देख लेती मौसी। कप तोड़ता हूँ। अब देखो उसके बाद भी गुस्सा हो गया, खुद ने गलती करी, खुद गुस्सा हो गया। मारो मत यार, मारो मत यार। पधारो मेरे ससुराल। तो पहली बार डेढ़ साल हो गए हमारी शादी को, और पहली बार जीजी हमारे घर में आई है, मतलब मेरे ससुराल में। बैठो शादी, बैठो, तुम्हारे घर है। घबरा गए, खाओ खाओ। हाँ तुम तो खाओ बेटा, टूट पड़ो जल्दी। सुनो मामी का घर है, ले। तो जीजी की खातिरदारी हो रही है। हाँ? पता है अभी मम्मी क्या हुआ? हम स्टेशन के सामने से आए, जीजी रोने लगी क्योंकि हम बचपन में आते थे ना नाना नानी के पास, तो स्टेशन उतरते थे वहां से रिक्शा पकड़, तो इसको याद आ गई नाना नानी की और रो पड़ी। हम मत रोइए हैं। अरे यार, अरे यार, अच्छा काजू सारे यूं सारे इसलिए। अरे बेटा एक एक करे खाओ, सब तो तुम्हें खाएंगे, हम ना खाएं। पर आप वीडियो बनाती रह जाओगे। मैचिंग मैचिंग। कब तोड़ दिया तुमने? हैं? अभी नाना को फोन करके बता रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी और रजत की पर्सनल बातें हैं। कुछ तो समझ जाओगे तुम। क्या फोन चला रहे हो यहाँ पे? फोन चलाने आए हैं।
चला चला बेटा चला बेटा। अरे मेरे भांजे, अरे मेरे भतीजे, खेलो। भांजा तो खतरनाक है मेरा यार, धमका देता है मेरे को। आप वैसे हो प्यारे से। मैं प्यार बहुत करता हूँ मैं यार। मैं चिल्लाता ना ये इतनी देर में तो मैं रैप्टा मार देता। मैंने कहा चलो छोड़ो, अभी ये चिल्लाता ना मेरे पास इतना, मैं डाल देता मैं दो तीन दो तरह होता फिरता। क्या बोलूं छोड़ो, मेरे मामा ने मेरे को कभी मारा नहीं है ना, तो मैं भी अपने भांजों को नहीं मार सकता। तुम्हारे मामा ने तुम्हें कूटा है। तो गाइज खाना खाने का टाइम हो गया। आज बना है पनीर की सब्जी ससुराल में, रसगुल्ला, मेथी आलू, पूड़ी और सलाद। भेदभाव भेदभाव कहीं भेदभाव कहीं समझ जाओ बस। तो आ जाओ खाना खाते हैं, जिसको खाना पर ना बाद मत कहना। आज जी जी आई है तो देखिए सजा के एकदम रसगुल्ला है। तो गाइस ठंड बहुत है, मैं चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ हूँ, सोने का टाइम हो गया है। मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम पिंका जी जी स्वाति के घर पे आई है, और पिंका जी जी को बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या बताऊँ, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जी जी को अच्छा लगा कि मेरा ससुराल ऐसा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल।